हम लाते हैं टॉप न्यूज आपके फेवरेट टॉक और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ इस असल नाजरीन आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू इस्लाबाद इस्टूडियो से और मैं हूँ आपका मेज़बान शौकत पराचा सऊदी अरब के उल्मा ने करप्शन के खिलाफ फतवा दे दिया ये क्या हो गया सऊदी अरब में शहज़ादे और वज्रा गिरफ्तार हो गए आला सरकारी हुकाम बरतरफ हो गए सऊदी अरब में दहशत गर्दी के खिलाफ इकदाम का ऐलान कर दिया गया ये वो सब कुछ है जो हम पहले से कर रहे हैं हमारे यहाँ पैनामा केस चला उसके बाद मुल्क वजी अजम नायल हो गए दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हम मसलसल जंग लड़ रहे हैं पाकिस्तान में इससे बहुत कुछ हो रहा है बहुत ज़्यादा हो रहा है रोज़ाना की बुनियाद पर जलसे हो रहे हैं आज इमरान ख़ान उबाड़ो खड़े हो गए डॉक्टर फारूक सत्तार कराची में खड़े हो गए पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क में पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफे के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई और ये सिलसिला अब थमने को नहीं आ रहा पाकिस्तान की हकूमत लंदन में इजलास करती है और पाकिस्तान के वजीर अजम कौमी असम्बली के स्पीकर और वज्रा खड़े होकर ये कहते हैं कि जी टेक्नोक्रेट्स की हकूमत तो आइन के ही खिलाफ़ है दुरुस्त कहते हैं लेकिन अगर इस चीज़ को हम एक और नाम दे दें कि मुल्क में हलचल बहुत है और जिस तरह आफ्ताब अहमद ख़ान शेर पाव कर कह रहे थे कि गैर यकीनी की सूरत हाल है हमारा मुल्क किधर जा रहा है हम इन मामला पर तो बात करेंगे लेकिन हम सऊदी अरब के हवाले से भी कुछ थोड़ी बहुत बात करेंगे आज के मेरे मेहमान तजिया निगार हैं ख़ुद भी प्रोग्राम्स करते हैं और आपको आपकी रहनुमाई भी करते हैं मेहमानों का तारफ़ करा देते हैं जनाब हामिद मीर साहब एंकर पर्सन सीनियर जर्नलिस्ट बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया क्योंकि जो कुछ आपके साथ हो रहा है इसके बावजूद आप जरत और बहादुरी का मुजाहरा कर रहे हैं हमारे स्टूडियो तशरीफ़ ले आए बहुत शुक्रिया मेरे दूसरे मेहमान हैं हमारे बड़े मेहरबान दोस्त अरशद शरीफ साहब एनकर पर्सन हैं तजिया नगार हैं और जर्नलिस्ट भी हैं बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया और नाजरीन मुझे तो कुछ हो रहा है वो ठीक हो रहा है और नाजरीन मुझे लाहौर से जॉइन किया है सीनियर तजिया नगार अफीजुल्ला खान न्याजी साहब ने बहुत शुक्रिया न्याजी साहब आपने वक्त दिया बिल्कुल नहीं ठीक हो रहा लेकिन मैं मैं इसलिए इग्नोर कर रहा था कि काफ़ी दिनों से हो रहा है काफ़ी अरसे से हो रहा है सऊदी अरब के हवाले से मैं आपसे बात शुरू करना चाह रहा हूँ इकदाम लिए गए दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ भी इकदाम का ऐलान कर दिया फ़तवा भी आ गया और प्रिंस वलीद बिन तलाल जैसे शहजादे बहुत पैसे वाले शहजादे वो भी गिरफ़्तार कर लिए गए उनका जहाज़ ट्रिपल बोइंग उनका अपना ज़ाती है उस पर ट्रैवल करते हैं ये क्या हो रहा है वो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में ऑपरेशन झरब अजब हुआ था तो सऊदी अरब में ऑपरेशन झरब गज़ब शुरू हो गया तो ये जो गज़ब है ये मेरा ख़्याल है कि ये वक्त की ज़रूरत है दुनिया भर में जो बहुत अमीर मुसलमान हुक्मरान हैं उनको ये आहिस्ता आहिस्ता रिलइज़ हो रहा है कि उनके ममालिक में बादशाहत हो या जमहूरीत हो वो इसलिए कामयाब नहीं हो रही कि जो दौलत का अर्तक़ है ये चंद हाथों में इसका अरतक होता जा रहा है और एक जो छोटी सी अकलीत है जो कि बहुत अमीर है उसने एक बहुत बड़ी अक्सरियत पर हुकूमत का सिलसिला शुरू किया हुआ है ख्वा बादशाहत है या जमहूरीत है तो वो जो अक्सरियत है वो गरीब और मतवस् तबका है और जो हुक्मरान तबका है अक्सर इस्लामी ममालिक में वो बहुत अमीर तबका है जिसकी वजह से अमीर तबके और ग़रीब तबके के दरमियान कश्मकश बढ़ रही है ये तबकाती कश्मकश है जिसका तस्वुर कार्ल मार्क्स ने बहुत साल पहले पेश किया था लेकिन अब जो सऊदी उलमा ने फतवा दिया है इसके पीछे भी तबकती कश्मकश है अमीर लोगों के खिलाफ सिर्फ सऊदी अरब में नहीं दुनिया भर के जो मुस्लिम ममालिक हैं उनमें एक नफ़रत बढ़ रही है क्योंकि वाले को भागना पड़ा ये जो अरब स्प्रिंग थी ये अरब स्प्रिंग भागना पड़ा वो भी पैसे हाँ, वाले थे पूरी कंपनी उनकी अपनी हुआ करती थी तो ये उसको पहले तो बहुत बड़ा ख़तरा दहशत गर्दी थी अब बहुत बड़ा ख़तरा करप्शन है तो मैं ये नहीं कहता कि करप्शन के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाले तमाम हुक्मरान जो हैं वो बड़े ईमानदार लोग हैं लेकिन ये जो मुस्लिम ममालिक हैं उनमें सिर्फ दहशतगर्दी नहीं बल्कि करप्शन एक बहुत बड़ा इशू है और बहुत बड़ी लानत है बहुत बड़ी लोगों को महरूम बना के रखा हुआ है लोगों को मजबूर बना के रखा हुआ है इस करप्शन की वजह से बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मेरे सवाल का जवाब आपने दे दिया बाबा शरीफ साहब की तरफ अर्शद <laughs> <भाँ> शुक्रिया <laughs> <laughs> सऊदी अरब में वजरा गिरफ्तार हुए शहजादे गिरफ्तार हुए वहां पर सजाएं दी जा रही हैं हमारे लिए क्या इम्प्लीकेशन है जो कुछ इधर उधर होता है हम पे असर करता है वो अरशद शरीफ साहब बिल्कुल और तौर पर पाकिस्तान के जिन साथ अलाइंस हैं अगर आप उनको देखें तौर पर चीन में जो कुछ हो रहा है करप्शन के ख़िलाफ़ सऊदी अरब के साथ हमारे दरीना तलुक हैं वहाँ भी अगर ये सिलसिला शुरू हो गया तो इसके एक ऑलरेडी जो कैंपेन चल रही थी ऑब्वियसली यहाँ भी डिमांड आएगी कि जनाबी जो जिसको कि अपोज़िशन जमातें वी वी आई पी एहसाब कहती हैं क्या एहतसाब इसी तरह आज भी इस हवाले से मुख्तफ अपोजिशन सियासी जमातों ने बात की तो उस पर अमली इकदाम किए जाएँ जैसे कि आपको सऊदी अरब में नज़र आए और मीर साहब ने बड़ी अच्छी बात की ज़रब अज से ज़रब गज़ब तक का सफ़र तो ज़रब अज्ब जिन राहल शरीफ यहाँ करके गए और उस वक्त बातें होती थी कि जी करप्शन का और दहशत गर्दी का एक नेक्सस है तो गालिबा सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सुल्तान के साथ वैठे हुए उनकी तस्वीर भी आई एडवाइज़र भी हैं वहाँ पर तो वो वाले इनफ्लेंसिस आइडियाज़ वहाँ पर जाके तो इम्प्लीमेंट क्योंकि यहाँ तो इम्प्लीमेंट नहीं हो सके करप्शन और टेररिजम का लिंक लिंक यहाँ पे बातें हुई थी उस वक्त नवीद मुख्तार साहब कराची में आपको याद हो गया एक सेमिनार भी था

हक साहब बार बार पिटिशन करेंगे जी बाकी भी इतने सारे लोग थे कोई इदारा आपका उस पर काम नहीं कर रहा तो सऊदी अरब में जो कुछ हो रहा है उसके यकीन आपने जो कहा कि पाकिस्तान में असरात होंगे यहाँ भी डिमांड उस पर उस हवाले से आवाज़ें मजीद बढ़ेंगी लेकिन उसके ऑब्वियसली कुछ रीजनल डायनमिक्स भी हैं जो कुछ सऊदी अरेबिया में हो रहा है जो एक कोलिशन बनी थी साथ फिर पूरी डायनमिक्स मिडल ईस्ट की जो चेंज हो रही है आर्मी चीफ आज गल ईरान गए हुए हैं ये पूरी डायनामिक्स जो है ये चेंजिंग कन्फिग्रेशन वो हमें देखनी पड़ेगी रीजनल अलाइंसिस दोबारा से बन रही हैं। न्याय साहब आपकी तरफ आऊँगा यहाँ जरब अदब का जिक्र हुआ जनरल राहल शरीफ ने जरब अदब शुरू किया था और अगर मैं मेमरीज को नाजरीन की मेमरीज को फ्रेश कर दूं तो पैनामा केस जब चला था यहाँ पाकिस्तान में बहुत पहले से आ गया था उस वक्त जनरल राहल शरीफ साहब भी थे यहाँ पर आर्मी चीफ आप कोई रेलिवेंस देखते हैं जो कुछ सऊदी अरब में हो रहा है जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है दहशतगर्दी की बात करें तो हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं हमने तो बहुत कामयाबियाँ हासिल की हैं कुर्बानियाँ दे के हासिल की हैं रात को वहाँ भी एक स्कड मिज़ाइल आया था उन्होंने बहरहाल उसको उसका तोड़ निकाला हुआ था बच गया रियाद लेकिन शहजादे बरतरफ हो गए उनके नेवल चीफ को बरतरफ कर दिया गया कोई रेलिवेंस आपको नज़र आती है राहल शरीफ साहब तो वहाँ बैठे हुए हैं सऊदी अरब में देखिए दोनों के अंदर कोई जोड़ नहीं है कोई रेलिवेंस नहीं है कोई मुताबकत नहीं है सिवाय इसके कि वहाँ पे भी एक ताकत इकदार को ग्रैप करने की एक स्ट्रगल है दो हजार चौदह में तो पैनामा नहीं था लेकिन यही सूरत हाल थी नवाज शरीफ को हटाने की या उनको माजूल करने की जो तगदो थी वो सबके सामने थी दो हजार सत्रह में या सोलह के में पैनामा आ गया और वो बहुत बड़ी चीज थी लेकिन 2014 की तो आज तक मुझे तो नहीं मिल, मिलती 2014 में क्यों मैं जो का बड़ी बात की आपने, दो हजार चौदह के हवाले से उस वक्त आसिफ जरदारी इनके पीछे खड़े थे आज मिया साहब शिकायत कर रहे हैं कि आसिफ अली किसी के इशारे पे चल रहे हैं आपके ख्याल में आसिफ जरदारी किसके इशारे पे चल रहे होंगे मिया साहब शिकायत कर रहे हैं बाकायदा बड़ी बात कर रहे हैं वो अब अ, अब ये बिल्कुल एक जिसको कहना चाहिए कि आपने एक नया टॉपिक जो 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 है जो है सवाल जो बिल्कुल मुख्तलिफ सामने लेके आए हैं मैं उससे पहले कमेंट दे दूंगा सऊदी अरब के ऊपर दो देखिए सऊदी अरब के अंदर से दो फिक्रे में यह है कि ये जो उनके अंदर इतिहास आया उन्होंने जब यह मामला हो गया होगा तो उसके बाद ये बनाएगा प्रोग्राम कि अब क्या किया जाए और उन्होंने कहा जी अब क्या किया इसके अलावा कुछ नहीं था कि पब्लिक को फेस सेवन करप्शन कहा कही लेकिन अंदर जो हाउस ऑफ सऊद है ना उसके अंदर एक बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है और ये तूफान जो है आया वो सिमट पाएगा नहीं सिमट पाएगा मेरा ख्याल है कि सऊदी अरेबिया जो है शदीद बुरान के अंदर फंस जाएगा क्योंकि मैं नहीं समझता हूँ कि ये मोहम्मद बिन सलमान जो है अब उसकी कैपेसिटी रहेगी अगर पूरा खानदान उसके खिलाफ खड़ा हो गया क्योंकि करप्शन जो है सऊदी अरब में इशू नहीं है क्योंकि करप्शन के जो असल सरगुना है ये हाउस ऑफ सऊद है या ये रॉयल फैमिली है इन्हीं की तरफ ज्यादा डांडे के पास कैपेसिटी थी या इनके इनके जो लॉकिन थे अब देखिए जरदारी साहब को जो आपने बात की है जरदारी साहब बहुत जीरो का आदमी है और मेरा ख्याल है कि हमारी मेन स्ट्रीम सियासी शास, जमातों में अगर तीन चार जो भी है तहरीक साफ है या मुस्लिम नून है या पीपल्स पार्टी है इनके सारे कायदीन में जरदारी साहब के पास एक ज्यादा बेहतर दिमाग है मुसाबकत और मुताबकत की सियासत में अपने आप को जो है आगे ले आने का या उसके मुताबिक अपने अपने अपने, अपने जो स्कीम बनाने का आ वो इस वक्त है कि उनको भाम चुके हैं कि बहुत पाकिस्तान जो जो एक तो है ना सामने है एक जेर जमीन चल रही है जिसका इमरान खान ने भी जिक्र किया कि एन आर ओ हो रहा है इसी तरीके से कई प्रेशर जरदारी साहब पे होंगे अब एनआर ओ क्या होगा कोई प्रेशर होगा कि जी हम रिलीफ दे देते हैं शहबाज शिव साहब को अनुवाज शिफ साहब को नहीं देते और उसके अंदर कुछ दो दो फ्रीक होंगे एक तो अनुवाज शिव साहब दूसरे फ्रीक अभी तक सामने नहीं आए खुल के दूसरा फ्रीक कौन है जो एनआर ओ पेश कर रहा है जो फ्रीक एन आर ओ पेश कर रहा है वही फ्रीक जरदारी साहब को भी हैंडल कर रहा है लेकिन जरदारी साहब ने दो हजार चौदह के धरने में मुझे एक बहुत सीनियर आर्मी ऑफिसर ने बताया था तेईस अगस्त दो हजार चौदह को कि जरदारी साहब धरने में आ जाएंगे और एम क्यूम भी धरने में आ जाएगी जबकि जो तारीख उन्होंने धरने में आने की जरदारी साहब की बताई थी उस तारीख को जरदारी साहब की पार्टी असेंबली में मुस्लिम लीग के साथ कंधा जोड़ के खड़ी हो गई थी एक आखिरी फिक्र मैं इसको वाइंड अप कर दूं कि बड़ा लंबा टॉपिक है कि जरदारी साहब एक चीज कभी नहीं होने देंगे नवाज शरीफ साहब के लिए नहीं अपने लिए वो इस जो जमहूरियत है उसको डिरेल नहीं होने देंगे नवाज शरीफ को नहीं बचाएंगे और अगर ये जमहूरियत डिरेल ना हुई तो या ये ये जो निजाम चल रहा है अगर इसी नुकते रहेगा इसी नुकते रहे जाने से पहले हामिद मीर साहब के लिए मैं एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि ख्वाजा आसिफ साहब इनके शो में आए उन्होंने कहा कि सात बार कम अज कम कॉल करने की कोशिश की गई लेकिन दरदारी साहब ने अटेंड नहीं की पैगाम छोड़ा क्या ये सिर्फ वो नाश्ते वाला ही मसला है सिंपल मसला है या कुछ अंडरनीथ बहुत ज्यादा गहरे किस्म के इश्यूज़ हैं ब्रेक के बाद जवाब लेंगे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन प्रोग्राम रूबरू देख रहे हैं आप और हम ताज़ा तरीन मुल्क की सियासत पर अब बात कर रहे हैं मीर साहब एक सिंपल सिंपलिस्टिक मेरे जैसे आदमी के सामने आता है कि चूंकि दरदारी साहब को नाश्ते पे इन्होंने फिक्स मीटिंग करके नहीं बुलाया था तो इसलिए आप दरदारी साहब उनके साथ रबते से ना ना आए सात बार अगर एक सीनियर पॉलिटिशियन किसी को फोन करे मैसेज छोड़े वो जवाब ना दे फिर फारूक नायक साहब को ये भी मना कर दिया कि आप केस भी ना लें तो क्या वो सिंपलिस्टिक रीज़न है या और बहुत कुछ है सात दिन तक तकरीबन सात दफ़ा तो उन्होंने आसिफ जरदारी साहब को फ़ोन किया था इसके अलावा उनके ऑपरेटर को और ए डी सी को फ़ोन करके जो मैसेजेस लिखवाए थे वो अलग हैं वो आप भूल गए तो उसमें रीज़न जो है ना वो उसमें बहुत सी रीज़न हैं इसमें कुछ रीज़न ये भी हैं कि जो ख्वाजा आसफ़ साहब से पहले जो लोग डाले गए जरदारी साहब से रबते के लिए यानी पहले भी कोशिशें हुई छः टोटल मैं छः लोगों को जानता हूं जिनसे मैंने कंफर्म किया छः लोग आश जरदारी के लिए कोशिश करते रहे कि रहा हो जाए मियाँ साहब थे मियाँ साहब के बिहाफ पे ठीक है ठीक छः लोग थे ख्वाजा आसफ़ साहब छठे आदमी हैं ठीक है तो उसमें से जो उनसे पहले जो पाँच लोग थे उनमें से दो ऐसे थे जिनसे कि जरदारी साहब का ख्याल था कि इनको बीच में क्यों डाला है क्योंकि वो समझते थे कि ये तो जो है ये मेरे मेरे एतबार के लोग नहीं हैं और ये पहले भी मुझे धोखा दे चुके हैं पहले भी उन्होंने नून लीग और पीपल्स पार्टी को करीब लाने में किरदार अदा किया था अब देखें इसमें सीधी सी बात यह है कि मैं आप मेरी राय पूछ रहे हैं ना जी जी ओबियस मेरी राय यह है कि जो पाकिस्तान की सियासत है ना इसमें सियासी इख्तलाफ को कबायली दुश्मनी नहीं बनाना चाहिए अगर नवाज शरीफ साहब ने आसिफ जरदारी साहब के साथ दो हज़ार पंद्रह में मुलाकात नहीं की कि कहीं राहील शरीफ साहब नाराज़ ना हो जाएँ तो दो हज़ार सत्रह में भी आसिफ जरदारी साहब को नवाज शरीफ का वाला रवैया अख्तियार नहीं करना चाहिए अगर उनसे कोई इतनी बार बार रबते कर रहा है कि यार मेरे से मुलाकात कर लो तो अपने मौक़ पे कायम रहते हुए आप मुलाकात कर सकते हैं आ, आ, आपकी राय इस पर भी जानना चाहूँगा ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि उस वक्त जिसने मशवरा दिया वो गलत था किसने मशवरा दिया होगा वो नवाज शरीफ को कि आसिफ दरदारी के साथ तयशुदा मुलाकात कैंसिल कर दें आपकी राय जानना चाह रहा हूँ ये मुझे नहीं पता लेकिन जो मुलाकात थी वो तय थी और जो आसिफ जरदारी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उनको लबो, उनका जो लबो लहजा था उसमें भी नवाज शरीफ साहब की ताइद शामिल थी जो ईंट से ईंट बजाने वाली तकरीर की थी उसमें भी नवाज शरीफ साहबायल का फंक्शन था पीपल्स पार्टी ट्राइबल एरिया नवाज शरीफ साहब की ताइद शामिल थी तो फिर मिले क्यों नहीं इसलिए डर गए थे ना कि कहीं नाराज ना तो हो जाए जब वो खड़े होके कह रहे वो मशुरा गलत दिया गया था भाई मशुरा जिसने भी दिया था किसने दिया नवाज शरीफ साहब जो है तीसरी दफा वजी बने और उनको अच्छी तरह पता तीसरी दफा वजी आसिफ जरदारी की वजह से बनाऊँ अठारवी तरमीम की वजह से बनाऊँ इसका बड़ा किरदार है मुझे तीसरी दफा वजी अजम बनाने में तो वो वो दूध पीते बच्चे हैं कि किसी मशीर के कहने पर उन्होंने मुलाकात नहीं की उनको चाहिए था कि जो जुबान दिया उन्होंने आसफ़ जरदारी को ख़ुद बुलाया है तो उससे मुलाकात करें लेकिन देखिए मैं एक बात कहने की <coughs> कोशिश कर रहा हूँ ये जो अभी एन आर ओ की भी बात हो रही है कि जनाब एन आर ओ होने वाला है ये वही ये वही काम है जो नून लीग कर रही है नून लीग भी कुछ इदारों पर इल्ज़ाम लगा रही है और अब पीटीआई भी अगर कह रही है कि एनआरओ होने वाला है तो वो भी उन्हीं इदारों पे इल्ज़ाम लगा रही है जिस पे के नून लीग इल्ज़ाम लगा रही है ये बहुत गलत हो रहा है और आसिफ जरदारी साहब भी अगर किसी के खौफ से या अपनी एक जतीि अना की वजह से मुलाकात नहीं कर रहे तो ये भी गलत कर रहे हैं अरशद शरीफ साहब पीटीआई भी वही बात कर रही है जैसे मीर साहब कह रहे हैं और ख़ुद इमरान खान ने खानवाल में खड़े होकर कहा कि जी 2013 का इलेक्शन एक ब्रिगेडियर ने पंजाब में बैठ के रिक किया था फिर फर्क हम क्या समझे वो ब्रिगेडियर है किधर आजकल पोस्टेड वैसे कुछ पता है तो इमरान खान बेहतर पता है चेक करें पंजाब का कोई एंटी करप्शन का इदारा है उसके बाद शायद उनको वहाँ पे अपॉइंट कर दिया गया अगर वही साहब हैं जिनका क्या हवाला देते मुझे नहीं पता लेकिन चेक करने में हर्ज कोई नहीं है इसको चेक कर लेना चाहिए क्योंकि इसी वजह से उनको बनाया गया एंटी करप्शन इस्टैब्लिशमेंट का सरबरा पंजाब में या कोई और वजूहत थी या कोई और लिंकेजेज़ थे या मेरिट पर पूरा आते थे कोई डिलीवर कर सकते हैं ज़्यादा बेहतर और जब से बने उस पर क्या क्या उन्होंने किया या उनके रबते किस किस के साथ हैं उनके बहुत सारे कुलीग्स आजकल बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर हैं तो वो भी एक लिंक इस्तेमाल हो रहा है तो इमरान खान ने और भी बहुत सारी बातें करते हैं तो जो आपने ब्रिगेडियर की बात की उसका मेरे खल महल वक़ू आजकल चेक कर लेना चाहिए दूसरी बात जो आगे लेके हम चलते हैं कि जी बज़ाहिर हमें नज़र आ रहा है कि जी राबे नहीं हो रहे सारा कुछ लेकिन जो हमें ऑन ग्राउंड चीज़ें नज़र आ रही हैं आर्टिकल दो सौ तीन पर पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मावनत मिली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को एक ना अहल शख्स को दोबारा पार्टी का सरबराह बनाने के लिए पूरी मावनत दी गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से तो वहाँ पर आपको वो कॉपरेशन नज़र आती है जहाँ पर मैटर करती है पब्लिक कंजम्पन मेरी कंजम्पन आपकी कन्ज्शन के लिए ठीक है जी ये सारी चीज़ें बज़ाहिर के रबे नहीं हो रहे सारी चीज़ें अंडरस्टैंडेबल हैं ये दो हज़ार छः में भी सात में भी इसी तरह की जी मुशर्रफ और बीबी का कोई राबा नहीं है डिनाइल है जी क्या नहीं साहब यू नहीं गए डिनाइल आते रहे ये सारे डिनाइल्स हम इन स्टेजेस से गुजरते हैं नहीं जी कोई इस तरह की डील्स नहीं होनी फिर डील्स हो जाती हैं आ गया देख लें मज़द टेस्ट आप लगा लें 184 एटी फोर आर्टिकल जो आइन का है उसमें मजीद दो क्लाजेज एड होने जा रहे हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मावनत करती है या नहीं करती है आइंदा चंद दिनों में आपको मालूम हो जाएगा नेशनल अकाउंटबिलिटी अकाउंटिबिलिटी कमीशन का कानून कि जनाब अकाउंटिबिलिटी कोड्स यहाँ पर बबालश कर दें पीपल्स पार्टी कॉपरेट करती है या नहीं करती नून लीग के साथ एक और आपके पास बेंच मार्क आ जाएगा उसमें आप देख लें पीपल्स पार्टी किधर खड़ी होती है इसी तरह और जो तरामीम आ रही है आर्टिकल फिफ्टी वन इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साद रफीक भी कह रहे हैं बाकी या सादिक साहब भी कह रहे हैं शबाश शरीफ साहब भी कह रहे हैं जनाब इस पे हमें कोऑपरेशन चाहिए तमाम पार्टीज को आना चाहिए तो ये आपके पास बेंचमार्क है जहाँ पे आपको वोटिंग से नजर आएगा कि किधर। आर्टिकल 51 के हवाले से नाजरीन बात करेंगे मुझे शॉर्ट ब्रेक का कहा जा रहा है क्योंकि आर्टिकल 51 के हवाले से ये कहा जा रहा है एलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया कि 10 नवंबर तक अगर ये तरमीम नहीं आई असम्बली की नशस्तों में तब्दीली करने वाली मरदमशुमारी के बाद तो आइंदा इंतबात डिले हो सकते हैं बहुत अहम इशू है बर वक्त इंतबात जमूरियत का तसलसल सब चाह रहे हैं लेकिन ये वाले जो ऑपरेटिव पार्ट्स हैं मुल्क के हवाले से उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो इस से और हम बात कर रहे हैं मुल्क के दरपेश मुल्क को दरपेश मसाइल के हवाले से न्याय साहब आपने अरशद शरीफ साहब की बात सुनी आर्टिकल फिफ्टी वन कौमी असम्बली की नशितों के हवाले से है आप वजरा के बयान सुन रहे हैं कि पीपल्स पार्टी आए पी टी आई आए, आए दीगर आए वो तरामीम करें क्योंकि मर्दम शुमारी के बाद तरमीम होना बहुत जरूरी है इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि मैक्सिमम दस नवंबर तक आप तरमीम करें वरना इंतबात डिले हो जाएंगे डिले हो सकते हैं इंतबात देखिए जी पहली तो बात यह है कि मैं ये समझता हूँ सिर्फ के दिल से बल्कि समझता क्या हूँ ये जो ये सब कुछ जो है पिछले जो कई सालों से जो मुशाह कर रहा हूँ जो जो देख रहा हूँ कि वतन अजीज़ हालत नज़ाम है रियासत पाकिस्तान जिस तरह जकड़ी जा रही है बैन बेवा सतह पर पिछले दिनों कोई चंद महीने हफ्ते पहले जेम्स मेटेस ने यू एस आर्म सर्विस जो कांग्रेस की आर्म सर्विस कमेटी है उसको कहा था कि हमने हमारे कम बैड ट्रूप्स जो है वो डिप्लॉयड हैं वो एक डाउनलोड करके देख लें तीन घंटे की उनकी वो वहां पे हेरिंग है यूएस कांग्रेस के आगे वो कहते हैं कि हमारे कम बैड ट्रूप्स यानी कि जंगजू हाथ लड़ने लड़ने वाली हालत वाले हमारे ट्रूप जो है पाकिस्तान की सरहद पे डिप्लॉयड है हम हम क्या कर रहे हैं करते रहे अल्लाह ताला रहम करें जो कुछ होने वाला है और इसमें सफर कौन करेगा सबसे ज्यादा वो करेंगे जिनके रियासत में सबसे ज्यादा है पहली बात दूसरी बात यह कि मैं अर्षद शरीफ साहब मुताफ़ हूँ लेकिन हामिद मीर साहब ने जो एनआरओ के बारे में बड़ी खूबसूरत बात की है मुस्लिम के से नहीं आया इमरान खान साहब ने जब ये बात की तो मेरा अपने में भी अपने कहा अंपायर का, का, का जिक्र किया था ये कौन के सामने आपकी जिम्मेदारी है उसका नाम तो अंपायर कौन था अब आपने एनआरओ का कहा दूसरा फरीक बताएं क्योंकि हमारे दारे बदनाम हो रहे हैं लगता है यह एक फ्रीक है जो पर्दे सीमी के पीछे बैठा है और एक सामने खड़ी मुस्लिम नून इसीलिए मैंने जो आम तासर है जिसके बारे में हर बंदा जो खुलेआम कह रहा है कि इस पाकिस्तान की जो इकदार है वो भी नून के पास है अपोजिशन भी नून के पास है और जो नून जो है वो तहरीक साहब की अपोजिशन नहीं कर रही नून जो है पीपल्स पार्टी की अपोजिशन नहीं कर रही नून किसकी अपोजिशन कर रही है अल्लाह जानता है

इस वक्त जो है अगले मामला तय करने के लिए कि उसका रोल क्या होगा या नहीं होगा कि तो पीछे कितना पीछे हटेगी कितना आगे आएगी सारा कुछ उसके साथ तय हो रहा है या जो, जो कुछ हम सामने अखबार में या प्रेस में आ रहा है देखिए जो अर्षय शीर्षा ने बात की है मैं बिल्कुल से मुतफिक हूँ जरदारी साहब जितने हमारे दोस्त उनको मिल के आए हैं मीर साहब मिल के आए हैं सुहेल उड़ाई साहब मिल के आए हैं बेशुमार इम्तियाज़ आलम साहब मेरे मुझे मेरे साथ बैठे थे कई दोस्त मिल के आए हैं सारे यही कह रहे हैं कि जरदारी साहब बड़ी सीख पाए हैं और बहुत ही जो है जिसको कहना चाहिए कि सख्त जबान इस्तेमाल करें निवासी के खिलाफ मैं कहता हूं कि इससे डबल कर दे बिलावल साहब इससे चार गुना कर दे पीपल्स पार्टी के सारे बंदे इसके दस गुना दें जोशद शरीफ साहब ने बात की बिल्कुल सही है कि जरदारी साहब की हमदर्दी निवासी से जीरो है यह तो मैं मानता हूं लेकिन सरदारी साहब ने इस सिस्टम को ना बचाया तो जरदारी साहब खुद उसी खड्डे में गिरेंगे इसी नुक्ते पर, पर है। इतरी, इतरी, इतरी है। इसी, है। ये न्याय साहब इधर ही इधर ही रुकिए न्याय साहब इसी इधर ही रुकिए आमिर मीर साहब ये डिस्कशन तो डेली चलती रहती है लेकिन मैं इलेक्शन के हवाले से आपकी राय जानना चाह रहा हूं अगर इस मरदम शुमारी के नतीजे में तरमीम पास ना हुई और जैसे शाह साहब ने एक तजवीज़ दी है ख़ुर्शीद शाह साहब ने कि मौजूदा डिलिमिटेशन के तहत इलेक्शन हो जाए एक सिंपल पटिशन चली जाएगी कि देखें जी हमारी आबादी बढ़ गई है आबादी के तनासब पर सीटें तकसीम होती हैं हमारे साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है हम बर वक्त अलेक्शन करवा सकेंगे या नहीं देखें पहली बात तो यह है कि मरदम शुमारी की वजह से कुछ फिगर्स में तब्दीली आई है कि नहीं आई आबादी बड़ी, बड़ी है अच्छा सीटें जो है कुछ महसूल की, की, कम कम है। है। तो की तक है उस पर भी तो असर पड़ना है ना तो जो छोटे सूबे हैं तौर पर सिंध और खैबर पख्तूनख्वा वहाँ पे एक कंसर्न पाया जाता है कि आप ये डिलिमिटेशन का कानून जो है वो जल्दबाजी में कर रहे हैं लेकिन मुश्तर मफादात की कौंसिल में जाके वहाँ से भी कुछ एक राय ले लें कि ये जो हमारे महसूल में जो हमारा हिस्सा है वो भी हमें थोड़ा सा उसमें भी इजाफा होना चाहिए ये टेक्निकल उनका एक हक़ हाँ बनता है लेकिन इतना मुझे यकीन है मेरे मे मेरी जो अभी तक बात हुई है पीपल्स पार्टी और तरीक़ान इंसाफ और दीगर अपोजिशन पार्टियों के लोगों से कि वो कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि ये सी सी आई का ठप्पा इस पर लग जाए लेकिन अगर नहीं लगेगा तो कोशिश वो करेंगे कि दस नवंबर से पहले पहले ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये हो जाए क्योंकि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होती और इलेक्शन डिले होता है इसका फ़ायदा किसको होगा मुस्लिम लीग नून को

और उसमें कुछ लोग उसको एक्सप्लाइट करने की कोशिश करेंगे मैं आपके प्रोग्राम में बार बार कहता रहा हूँ कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट एक फ्रॉड है माशा एक फ्रॉड है टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट और माशा इस मुल्क के मसाइल का हल नहीं है इस मुल्क के मसाइल का हल यह है कि ये सिस्टम चलता रहे और अगले साल वक्त पे इलेक्शन हो लेकिन अगर ये सियासी जमातें जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं इन्होंने अब खुद ही जस्टिफिकेशन प्रोवाइड कर दी सुप्रीम कोर्ट को तो हो सकता है कि दो तीन महीने के लिए इलेक्शन डिले हो जाए लेकिन इसके बावजूद दो हजार अठारह में इलेक्शन जरूर होगा मैं बार बार आपको कहता हूं टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट एक फ्रॉड है टेक्नोक्रेट्स ने हमेशा पाकिस्तान में जब भी हुकूमत में आए फ्रॉड किया है मार्शला की हुकूमतों ने हमेशा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया इसलिए इसकी बात ना किया करें अर्षद शरीफ साहब देखिए आइन में जब एक आ जाएगा फस आ जाएगा आइन ब्लॉक कर दिया जाएगा आइन में तो ये है ना हुकूमत पूरी करे अपनी मुद्दत दो महीने के अंदर अंदर इलेक्शन हो वो ग्राउंड रियलिटी इसलिए नहीं बन रही कि शुमारी के तहत डीलिमिटेशन नहीं हुई डीलिमिटेशन नहीं हो रही तरमीम पास नहीं हो रही अगर तरमीम पास नहीं होती डीलिमिटेशन नहीं, नहीं होती पटिशन सुप्रीम कोर्ट के पास चली जाएंगी फिर क्या होगा नए इलेक्शन करा दें इंतबाब करा दें सुप्रीम कोर्ट कह सकती है इसमें रास्ता लीगल टेक्निकलिटीज बहुत सारी इसमें निकल सकती हैं जो मसले ये आपको खड़े हो रहे हैं वो इस वजह से हो रहे हैं कि हकूमती सियासत इस वक्त रियासती इदारों से लड़ने की कोशिश कर रही है वो आपको बड़ा वाज नजर आ रही है सारी चीज़ें और जितनी आपने मिसालें दी कि जी पाँच जगह पर यह हुकूमत बैठी है और अपोजिशन का भी किरदार कर रही है बिल्कुल ऐसी हो रहा है जब हुकूमत सियासत में आप खुद अपोजिशन कर रही हो तो रियासी मामला इसी तरह आके फंस जाते हैं और आर्टिकल फिफ्टी वन की अमेंडमेंट पर भी आपकी नीयत पर फिर शक हो रहा है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में बैठ के आपने रिसोसिस की तो आप बात नहीं कर रहे आबादी आपकी बढ़ गई है वो वाले सारे आप मसाइल हल नहीं कर रहे फोकस किधर हो रहा है आपका पर्सन स्पेसिफिक कवानीन पे हो रहा है ये बुनियादी मसला आज नहीं खड़ा हुआ कि इलेक्शन कमीशन को आपको याद करवाना पड़े कि जनाब ये 10 नवंबर तक आप मेहरबानी करें इस मुल्क के साथ आईने पाकिस्तान ग्राउंड रियलिटी तो यही है नारशद शरीफ साहब ग्राउंड रियालिटी हकूमत चार साल पहले करती तीन साल पहले करती दो साल नहीं किया आज 10 नवंबर फॉर एग्जांपल गुजर जाती है पास नहीं महीना साहब जैसे कह रहे हैं महीना एक्स्ट्रा हो जाएगा दो महीने एक्स्ट्रा 2018 में इलेक्शन होने ही होने हाँ। फिर, फिर ये भूल, भूल जाए प्राजा साहब लंदन में जाएन में जाए छोटी सी बात कर साहब बात कर रहे बहुत गहरी बात है शायद खाकान अबासी टेक्नोक्रेटिक के क्राइटेरिया पे पूरे आते हैं मिफ्ता इस्माइल टेक्नोक्रेट के हाँ, पे पे पूरे आते हैं, वो आते हैं। नया मिनिस्टर आपका वो इकबाल कुछ हद तक उस पर पूरे आते हैं पूरे आते हैं उसके बाद वो जहांगीर सिद्दीकी साहब के साहबजादे क्या नाम है अली अली जहांगीर सिद्दीकी वो भी उस टेक्नोक्रेट के क्राइटेरिया टेक्नोक्रेट आ रहे हैं आपको नजर नहीं आ रहा कि किस तरह लेकिन चलता रहेगा ये वाला जरूरी नहीं, नहीं है टेक्नोक्रेट हैं। और भी बहुत सारे हो तो सकता है बाईपास करके आएगा और जमुरी निजाम को बाईपास करके आएगा वो टेक्नोक्रेट नहीं वो पैरासाइट है फिर तो असेंबली में बैठने वाली सियासी जमातें मीर साहब खुद सोचे ना सोचेंगी और मुझे उम्मीद है राजा साहब मैं आपको उम्मीद दिला रहा हूं और दुआ कर रहा हूं कि दस नवंबर तक ये अमेंडमेंट जाए। अच्छी बात है नैर साहब आपके पास आऊंगा ऐसा इकबाल साहब आज कह रहे थे कि पी टी आई आइंदा सेनेट इलेक्शन को सेबुटाइज करना चाह रही है इसलिए जल्द इलेक्शन की बात कर रही है हकूमत ने तरमीम मंजूर नहीं कराई हम फिर किस पे इल्जाम दें हम तो चाहते हैं जमूियत चले असेंबलियाँ काम करें डिलीवरी हो मुल्क में डेमोक्रेटिक प्रोसेस का तसलसल हो लेकिन जो ग्राउंड पे जिस जिस को काम करना होता है वो नहीं हो रहा होता राय साहब पहले तो मेरी मतबाना गुजारिश सुन लें कि जो सियासत और जमहूरीत का चोली दामन का साथ है जमूरीत जो है वो सियासत से जला लेती है और सियासत जो है जमहूरीत को उसको तबाना रखती है देखिए बात यह है कि सियासत जो है इस वक्त जो बड़ी सियासत कर रही है तीन पार्टीज मुस्लिम नून पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ अब कोई और बंदा जो है इसके अंदर जो जगह ढूंढ रहा है अगर वो, वो अगर वो सियासत नहीं कर रहे पूछ सामने नहीं है तो वो वो बिल्कुल उनकी कोई गुंजाइश नहीं है और चाहे वो टेक्नोक्रेट्स के जरिए आए या किसी दूसरे जरिए से आए अब मैं अगर नवाज शरीफ हूं तो चाहे मैं इलेक्शन आज कराऊं या ना कराऊं चाहे इलेक्शन अपने टाइम पे हो लेकिन ये मेरे पास ये मैंडेट होना चाहिए मेरे पास ये सहूलत होनी चाहिए कि मैं असेंबली को डिजॉल्व कर सकूं मैं समझ दू ये कैसे कह, कह दिया जाता है जी मुस्लिम लून नहीं चाहती भाई मुस्लिम नून को अहमक है उनको नहीं पता होगा या पीएस पार्टी को नहीं पता कि इलेक्शन जो है अगर फर्ज के अंदर एक, एक स्ट्रैटेजी बनती है क्योंकि वन ट्वेंटी इलेक्शन ने मुस्लिम नून को एक सबक दिया है कि आप इन सबको इलेक्शन में ले आए इनका इनका दुर्गत बना दे मुझे तहरीक साहब के बड़े रहनुमाओं ने बताया उनके पास मैं चंद दिन पहले खाने पर इन्वाइटेड था तो वो वो सुबह अंदाज में कह रहे थे कि अगर अगर मुस्लिम नून नहीं टूटती तो 2018 का इलेक्शन हमारे लिए एक, एक ख्वाब ही रहेगा हम नहीं सकते। बहुत शुक्रिया न्याजी साहब बहुत, बहुत शुक्रिया वक्त कम हो गया बहुत शुक्रिया नयादी साहब आपने वक्त दिया अरशद शरीफ साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया आमिद मीर साहब बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लिया है, नाजरीन हमारी तरफ तो से इतना कुछ अपने मेज़बान शौकत पराचों को दीजिए खुदा हाफिज